हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं सिद्ध हाईटेक। तो दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है वो काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI योनो ऐप यूज करते हो तो काफी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है मोबाइल रिचार्ज का, जो कि आप योनो ऐप से भी कर सकते हो, तो वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। योनो ऐप से आप मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं, प्रीपेड या पोस्टपेड। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्रीपेड और पोस्टपेड का रिचार्ज करना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज, तो आप योनो SBI ऐप से भी कर सकते हो। और योनो SBI ऐप से करने का फायदा मीन्स, आपको अगर आप मैक्स टू मैक्स रिचार्ज अगर योनो ऐप से करेंगे तो आपको मिलने वाला जो फायदा है दोस्तों, वो है रिवार्ड्स। जो भी आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिवार्ड्स पॉइंट्स का जो सिस्टम रहता है, अगर आप ज़्यादा मोस्ट ऑफली प्रोबेबली अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी नेट बैंकिंग का जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपको रिवार्ड्स देती है बैंक। तो 1000 रिवार्ड्स पॉइंट के बदले आपको 250 रुपये मिलते हैं दोस्तों। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप कस्टमर हो, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अगर ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये पॉइंट्स का जो स्क्रॉल हो रहा है उतने आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ रिवार्ड्स का जो भी अगर आपके योनो ऐप में दिखाई देगा, आपको रिवार्ड सेक्शन में अगर आपको रिडीम करना नहीं आता है, तो मैंने एक वीडियो बना के दिया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस वीडियो का, हाउ टू क्लेम योर रिवार्ड्स पॉइंट, तो देख लीजिएगा वो वीडियो भी। और आप प्रीपेड रिचार्ज करना चाहते हो, मिनिमम 50 रुपीज का अगर आप रिचार्ज करेंगे, तो आपको मैक्स टू मैक्स 100 रिवार्ड्स पॉइंट्स मिल सकता है, और जीतने का मौका मिल सकता है आपको 100 पॉइंट्स यानी कि 25 रुपीज। अगर आप 50 रुपये का रिचार्ज करते हो और 25 रुपये आपको मिल जाए, तो वाह वाह क्या बात है। तो दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, आप पूरा देखिए, क्योंकि मैं योनो ऐप में आपको प्रीपेड रिचार्ज कैसे करते हैं अपने मोबाइल रिचार्ज, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। अभी मैंने योनो SBI लॉगिन कर लिया। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना है, यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट के बाद बिल पेमेंट्स में जाना है। उसके बाद आपको बिल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे सबसे बॉटम लाइन में लेफ्ट साइड वाला रिचार्ज का ऑप्शन है, वो क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सिलेक्ट योर ऑपरेटर, जो भी आपका मोबाइल नंबर का ऑपरेटर रहेगा, तो आइडिया, जियो वगैरह, तो मेरा आइडिया है दोस्तों, तो मैं आइडिया को क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, तो यहाँ पे इंटर कर लिया मेरा मोबाइल नंबर। उसके बाद अमाउंट डाल सकते हो, तो आप अगर प्लान्स देखना चाहते हो, कौन सा प्लान्स का आपको रिचार्ज करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से आप एक प्लान ले सकते हो। यहाँ पे देखिए 49 रुपीज़ का टॉक टाइम है 100 MB 4G 3G 2G डाटा, और उसके बाद टॉप अप। तो यहाँ पे स्पेशल रिचार्ज समझिए, मुझे अभी 49 का रिचार्ज मारना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 49 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन अकाउंट है, जो मेरा सेविंग अकाउंट है, वहाँ से मेरा रिचार्ज होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे इंक्वायरी में भी आप एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपका जो भी ऑपरेटर है उसका नाम डालकर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मोबाइल पे आ गए, तो उसके बाद रिचार्ज का आ गया, मैंने 49 रुपीज़ का यहाँ पे करना है 49 रुपीज़। अगर आपके प्लान के मुताबिक आप रिचार्ज करिएगा, तो यहाँ पे 49 डाल दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, तो FF कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको इंटर कर देना है। तो OTP आ गया है दोस्तों, तो यहाँ पे OTP डालने के बाद
मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, पेमेंट फॉर आइडिया प्रीपेड एंड मोबाइल नंबर, तो मुझे रिचार्ज सक्सेसफुल का भी एक मैसेज आ चुका है आइडिया की तरफ से। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो गया है योनो ऐप का, तो यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये तो मैंने प्रीपेड का बताया था दोस्तों, अगर आपको पोस्टपेड का भी करना हो तो आप यहाँ पे पे एंड ऐड बिलर्स में जाके यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन मोबाइल पोस्टपेड है, वहाँ पे आप जो भी आपका ऑपरेटर है उसका ऑपरेटर है जो एयरटेल वोडाफोन वगैरह, वो क्लिक करना है। निक नेम डाल के अमाउंट और ऑटो पेमेंट ये यहाँ से आप कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल तरीका था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।